नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं नितिन मुकेश, मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। मुझे बेहद खुशी हो रही है, मैं आप सबको बधाई दूं आज की शाम का, जब आरोही 2022 19th म्यूज़िक फेस्टिवल हारमनी म्यूज़िक एकेडमी का मनाया जा रहा है। धर्मांशु रावल साहब की मेहनत से ये इंस्टीट्यूशन आज लगभग 20 साल पुराना हो चुका है और उनके बहुत सारे शागिर्द और स्टूडेंट्स आज की शाम परफॉर्म कर रहे हैं। मुझे भी आशा थी कि मैं आपके समक्ष रहता, आपका कुछ मनोरंजन कर पाता, किसी कारणवश मैं आ नहीं पाया हूँ। आइंदा भगवान ने चाहा आगे भी कभी होगा तो ज़रूर आऊँगा, मगर मेरी शुभेच्छा मेरे ढेर सारे प्यार भरे आशीर्वाद आप सब स्टूडेंट्स के लिए। आज का कार्यक्रम बहुत बढ़िया होगा, आई एम श्योर यू आर ऑल गोइंग टू रॉक इट। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। नमस्ते मित्रों, हूँ सिद्धार्थ रांदेरिया, गुज्जू भाई। वेल मित्रों, आज मारे खूब 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 अभिनंदन आपवा छे धर्मांशु भाई रावल अने एमना द्वारा स्थापित हार्मनी म्यूजिक एकेडमी ने। संगीत क्षेत्र मात्र संगीत ने परस्यू करवो एटलू नहीं पण विद्यार्थियों ने केळवा ए बहु मोटू काम छे अने छेल्ला 19 वर्ष थी अविरत धर्मांशु भाई आ कार्य करता आव्या छे। अढळक एमना स्टूडेंट्स छे, दर वर्षे એમના કાર્યક્રમોનું આયોજન થાય છે ઠાકરે હોલમાં। તો આજે 19મી એમની વર્ષગાંઠ કહી શકાય હાર્મની મ્યુઝિક એકેડેમીની, એ નિમિત્તે મારા તરફથી એમને ખૂબ 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 અભિનંદન અને ભવિષ્ય માટે ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ। નમસ્કાર, મેં આરતી મુખર્જી બોલ રહી હું। આજ મેં ધર્માંશુ રાવલજી સે મેં મિલી હું ઓર ઉનકી સબ जो वो कर रहे हैं ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई। वो एक तरफ म्यूज़िक डायरेक्टर है, एक तरफ म्यूज़िक टीचर है और उसके बाद स्टूडेंट्स को वो प्रोफेशनल लेवल में लेना ले जाना चाहते हैं और लेके जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि गुरु सिखाते हैं, सिखाने के बाद अच्छे ही सिखाते हैं, प्यार से सिखाते हैं, लेकिन और कोई जिम्मेदारी उनका होता नहीं। लेकिन ये साहब धर्मांशु जी जो करते हैं ये बहुत बड़ी बात है और समाज के ये बहुत कल्याण कर काम कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ इनके ये काम कामयाब रहे और बहुत आगे बढ़े। उनके लिए और आप सबके लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। गजेशानाय भालचंद्राय श्रीगणेशाय धीमहि, एकदंताय वक्रतुंडाय गौरीतनयाय धीमहि, गजेशानाय भालचंद्राय श्रीगणेशाय धीमहि। नमस्कार फ्रेंड्स, इस्तकबाल आप सभी का हमारे आज के इस बज़्म में। जैसा कि आप पर्दे पर देख रहे हैं, हमारे आज के इस प्रोग्राम का नाम है आरोही, जिसे प्रस्तुत किया जा रहा है हारमोनी म्यूज़िक एकेडमी के द्वारा।
और जिसके मुंतजिम है आदरणीय श्री धर्मांशु रावल जी। हारमोनी म्यूजिक एकेडमी को की बुनियाद रखी गई थी 2004 में और आज की तारीख में इसने 19 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 2004 में हारमोनी म्यूजिक एकेडमी का जो उद्घाटन हुआ था वो पद्मश्री श्री अनूप जलोटा जी के कर कमलों से। तब से आज तक इस तवील अरसे में सर के सानिध्य में कई शागिर्द उनसे संगीत की तालीम हासिल कर चुके हैं और संगीत के क्षेत्र में वो डंका बजाते चले जा रहे हैं और आज की तारीख में भी कई शिष्य कई शागिर्द सर के साथ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और आज उन्हीं शागिर्द के जानिब से आज का ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, हमारे चेतन उपाध्याय और उनकी म्यूजिकल टीम बिल्कुल चार चांद लगाने के लिए तैयार है, तो हम आगाज करते हैं अपने वर्षा जी, ओ वर्षा जी, ओ वर्षा जी, रुकिए तो सही। ओम, हमारे सिंगर्स आ चुके हैं, क्या तुम्हारा गाना है आज? गाने नहीं, आपका साथ देने आया हूँ। ओ क्या बात है, थैंक यू ओम। हारमोनी रेडी टू रॉक। यस बिल्कुल दोस्तों, मैं ओमकर मेहता, आप सभी को प्यारा सा नमस्कार और वेरी वेरी गुड इवनिंग। दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं, नवंबर दिसंबर का ये महीना है, शादियों के लिए जाना जाता है। शादी में आपका तो पता नहीं, लेकिन मैं इसलिए जाता हूं ताकि तरह तरह के पकवान, तरह तरह की वानगियां, तरह तरह के स्वीट्स जो मिलते हैं, राइट, तो उसी तरह की तरह तरह की संगीतमय वानगियां आपके समक्ष आज पेश होने जा रही है। सो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारी आज की वंडरफुल इवनिंग का। तो आज की जो प्रोग्राम की रूपरेखा बड़ी मुनफरिद से मुख्तलिफ से तैयार की गई है, जहां आपको हर तरह का रंग देखने मिलेगा। तो चलिए आगाज करते हैं अपने कार्यक्रम का ईश्वर वंदना से और हमारे सिंगर्स बिल्कुल तैयार है। ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा, हो रहा बेखबर, कुछ न आता नजर, सुख का सूरज छुपा जा रहा। मैं तेरी रोशनी में जो दम, वो अमावस को कर दे पूनम, मेरी पर चले और मती से चले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ए मालिक तेरे बंदे हम, जब जुल्फों का हो सामना, तब तू ही हमें थामना, वो बुराई करे हम भलाई भरे, नहीं बदले की हो कामना, बढ़े प्यार का हर कदम और नीचे बैर का ये भरम, तेरे। चलिए ईश्वर वंदना से हमारे इस कार्यक्रम का आगाज हो चुका है, तो ईश्वर का आशीर्वाद हमें मिल चुका है और बढ़ चलते हैं अपने अगले गीत की तरफ। एक से बढ़कर एक फनकार, चाहे वो गुलकार हो, नगमा निगार हो, मौसिकार हो या फिर अदाकार हो,
एक साथ ही 50, 60 और 70 के दशक में इस फिल्म इंडस्ट्री में आ गए, जिन्होंने बिल्कुल नायाब गीतों से इस इंडस्ट्री को सजा दिया। शायद यही वजह रही कि 50, 60 और 70 का दशक मौसीकी का जर्री दौर कहलाता है, सुनहरा युग कहलाता है। तो हमने अपनी सरवरिस्त में शामिल किए हैं इन्हीं इसी दौर के गीतों को, इन्हीं दशकों के गीतों को। तो चलिए आनंद लेते हैं उन गीतों का। तो क्या मालूम चाहता है उसे कोई चकोर, ओ चांद को क्या मालूम चाहता है उसे कोई चकोर। ओ बेचारा दूर से देखे, ओ बेचारा दूर से देखे करे न कोई शोर, ओ चांद को क्या मालूम चाहता है उसे कोई चकोर। साथ चले तो साथ निभाना, मेरे साथ ही भूल न जाना, भूल न जाना। साथ चले तो साथ निभाना, मेरे साथ ही भूल न जाना। मैंने तुम्हारे हाथ में दे दी अपनी जीवन दौर, ओ चांद को क्या मालूम चाहता है उसे कोई। थैंक यू। एक लड़की भी भागे से सोती रातों में जागे से, मिले एक अजनबी से कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है।
एक लड़की भीगी बागे से, सोती हाथों में जागे से, मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। दिल ही दिल में जली जाती है, बिगड़ी बिगड़ी चली आती है। दिल ही दिल में जली जाती है, बिगड़ी बिगड़ी चली आती है। झुंझलाती हुई पल खाती हुई सावन की सूनी रात में, मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। एक लड़की भीगी बागे से, तन भीगा है सर गीला है, उसका कोई पेच बिड़ीला है। तन भीगा है सर गीला है, उसका कोई पेच बिड़ीला है। तनती झुकती चलती रुकती निकली अंधेरी रात में, मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। एक लड़की भीगी बागी सी, सोती रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। मोहब्बत हंसी है जमाना, लुटाया है दिल में खुशी का खजाना। जब आए मोहब्बत हंसी है जमाना, लुटाया है दिल में खुशी का खजाना। खुशी का खजाना तुम आए के बचपन मेरा लौट आया, लौट आया। तुम आए के बचपन मेरा लौट आया, लौट आया। मोहब्बत हंसी है जमाना, लुटाया है दिल ने खुशी का खजाना। 45 की सुपर डुपर हिट फिल्म अनमोल घड़ी से आपने ये गीत सुना। चलिए अब 65 की एक फिल्म की तरफ ले चलते हैं, पिया तो उसे नैना लागे रे। एस डी बर्मन साहब का बहुत ही पसंदीदा ताल रूपक में निबद्ध ये गीत की मजेदार बात ये थी कि मशहूर संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा जी ने इसमें तबला वादन किया और पंडित हरिप्रसाद चौरसिया ने इसमें बांसुरी वादन किया। और ये गीत के लिए वहीदा रहमान जी को कहीं ना कहीं डर सता रहा था कि 8 मिनट लंबा सीक्वेंस, इसमें कहीं एडिटिंग की कैंची ना चल जाए,
लिहाजा उन्होंने देवानंद साहब से गुजारिश की कि इसे जस का तस फिल्म में रखा जाए, ज़रा भी इसमें कटिंग नहीं की जाए। और देव साहब ने भी उनका वादा बरकरार रखा और इस गीत को जस का तस फिल्म में रखा गया। तो चलिए इस फिल्म को, इस गीत को हम देखेंगे नहीं लेकिन सुनेंगे ज़रूर। पिया तो सीने नैना लगे रे, जाने क्या हो अब आगे रे। चुपके कोई आके सोया प्यार जगाए, नींद मुझको आए दिल मेरा घबराए, चुपके चुपके कोई आके सोया प्यार जगाए। ओ नींद मुझको आए, दिल में दर्द दबाए।
घबराए, चुपके कोई आके सोया प्यार जगाए। ओ नींद मुझको आए। थैंक यू वेरी मच। हिले गगन के तले धरती का प्यार पले, गगन के तले धरती का प्यार पले। ऐसे ही जग में आती है सुबह है, ऐसे ही शाम ढले। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। शबनम के मोती फूलों पे बिखरे, दोनों की आस फले। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। नदिया का पानी दरिया से मिलके सागर की ओर चले, नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। आ धरती का प्यार पले। दोस्तों हम भी नहीं जी सकते आपके बिना। यू हैव बीन अ वंडरफुल ऑडियंस, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। ऑनेस्टली बताइए अब तक के शो में आपको मजा आ रहा है? यस दोस्तों, ये जो हम इतने कलरफुल प्रोग्राम्स के लुत्फ उठा रहे हैं, मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे आज के टाइटल स्पॉन्सर्स शेर खान बाई बी एन पी पारिवास। जोरदार तालियां हो जाए हमारे आज के टाइटल स्पॉन्सर्स, हमारे
आज के इस प्रोग्राम के को स्पॉन्सर्स है इन्वेंचर ग्रोथ एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड, जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। एलियन लाइफस्टाइल एंड संजय दोषी फिनेंशियल सर्विसेज वो आर द ऑथोराइज्ड पर्सन ऑफ मोतीलाल ओसवाल, जोरदार तालियां हो जाए हमारे आज के इन महारथियों के लिए, हमारे टाइटल स्पॉन्सर्स एंड को स्पॉन्सर्स के लिए। दोस्तों कहते हैं कि लबों पे कभी जिसके कोई बद्दुआ नहीं होती, लबों पे कभी जिसके कोई बद्दुआ नहीं होती, एक मेरी माँ ही है जो कभी मुझसे खफा नहीं होती। यस दोस्तों, दुनिया का सबसे प्यारा और पवित्र रिश्ता वो है माँ का रिश्ता, और दुनिया के सबसे बड़े दो सुकून वो है माँ की ममता और पिता की छत्र छाया। यस तो विश्व के सभी पेरेंट्स को ट्रिब्यूट देने आ रहे हैं हमारे अगले कलाकार।
अकेले तुम जो हम तुम संग है तो फिर क्या गम। तू हो मेरा दिल तू हो मेरी जान। Oh, I love you, daddy. तू मासूम तू जो शैतान। But you love me, daddy. तू हो मेरा दिल तू हो मेरी जान। Oh, I love you, daddy. तू हो मासूम तू जो शैतान। और इसी शरारत से दिल जिगर में हूँ सबका। कहने को है यू तो हजार कोई मगर तुझसा कहाँ। अकेले हम अकेले तुम जो हम तुम संग है तो फिर क्या गम। तू मेरा दिल तू मेरी जान। I love you, daddy. तू मासूम तू शैतान। कल ये जो सारी दुनिया साथ मेरा नहीं देगी कौन है फिर मेरी मंजिल का हम सफर। आज लगे कितना हसी कोई मगर तुझ सका। अकेले हम अकेले तुम जो हम तुम संग है तो फिर क्या गम। तू मेरा दिल तू मेरी जान। Oh, I love you, daddy. तू मासूम तू शैतान। Thank you so much, guys. तो हमारी सर्विस में आपने देखा ऐसे ही मनफरेद और मुख्तलिफ से गीत आपको सुनने मिलते रहेंगे। और एक अनाउंसमेंट जरूरी मैं करना चाहूंगी कि एलियन लाइफस्टाइल की तरफ से 5 गिफ्ट हैम्पर रखे गए हैं और लकी विजेता को प्रोग्राम के आखिर में लकी विजेता का नाम अनाउंस किया जाएगा। जो भी लकी विनर है उन्हें एक गिफ्ट हैम्पर मिलेगा। तो चलिए बढ़ चलते हैं अपने कुछ अगले गीतों की तरफ। भगवान शंकर एक बार तपस्या में लीन थे। भैरव नाम का राक्षस उनकी तपस्या में विघ्न डाल रहा था। भगवान शंकर का तपस्या भंग हुई। क्रोधित होके उन्होंने भैरव को ललकारा और उनसे वो युद्ध करने लगे। भैरव राक्षस जब पराजित होने लगा तो कभी वो करुण स्वर में कभी कठोर स्वर में भगवान से अपनी क्षमा याचना करने लगा। और तब से कहा जाता है कि भैरव राग उत्पन्न हुआ। चूंकि ये युद्ध सुबह 4 बजे से लेके 7 बजे तक हुआ था इसलिए ये राग जो गाया जाता है मॉर्निंग 4 से लेके 7 तक। और भैरव राग में एक बहुत ही प्राचीनतम राग अहीर मिलने से बन गया अहीर भैरव। तो चलिए हमने अपने सर्विस में अहीर भैरव में निबद्ध कुछ गीतों को चुना तो सुनते हैं आनंद लेते हैं। हेलो हेलो अलबेला सजन आयो रे अलबेला सजन आयो रे अलबे
मन मेरा फिर भी न जाए मेरे घर का अंधेरा, भोर भी आस की किरण न लाई, पूछो न कैसे मेरे रैन बिता। इन मस्त गहरी गहरी आंखों की झील
प्रसिद्ध सूफी संत कवि अमीर खुसरो जी ने उत्पत्ति की थी राग यमन की। कल्याण से मिलकर ये बन जाता है यमन कल्याण राग। उस्ताद ध्याने खान का कहना है कि यमन कल्याण में शुद्ध माँ ठीक उसी तरह आता है जैसे पूरे समय घूंघट में रहने वाली स्त्री का सुंदर मुखड़ा कुछ पल के लिए घूंघट हटने पर हमें नजर आता है। तो चलिए यहाँ पर हम यमन कल्याण में निबद्ध कुछ खूबसूरत गीतों का आनंद लेंगे। हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, श्रोताओं आपसे कहता हूं आज जाने की जिद ना करूं। हाय वो रेशमी जुल्फों से बरसता पानी, हाय वो रेशमी जुल्फों से बरसता पानी, फूल से गालों पे रुकने को तरसता पानी, दिल में तूफान उठाते हुए, दिल में तूफान उठाते हुए, जज्बात किरा वो बरसात की रात जिंदगी भर अजीब थी।
यमन कल्याण में जितने सुंदर राग में ये गाने बने हुए थे, लेकिन आपने देखा हर गीत क्या नगमा निगार जो थे, उन्होंने कितने खूबसूरत गीत लिखे, इतनी बेहतरीन शायरी से उन्होंने इन गीतों को रचा। वैसे ओम जी, वर्षा जी, शायरी मैं भी करने लगी हूँ। क्या बात है, इरशाद इरशाद कुछ पेश कीजिए। थैंक यू सो मच, आप लोग भी सुनेंगे ना मेरी शायरी? वाह वाह करिए जरा पहले से, वाह वाह। वो मुड़ मुड़ कर देख रहे थे हमें, हम उन्हें। वो मुड़ मुड़ कर देख रहे थे हमें, हम उन्हें, क्योंकि एग्जाम चल रहा था, उन्हें कुछ आता था और ना हमें। क्या बात है जी। तो चलिए, इस शायरा ने अपनी शायरी प्रस्तुत कर दी, अब हम बढ़ चलते हैं अपने अगले गीतों की तरफ। जी हाँ, ये जो गीत है बहुत ही खूबसूरत राग शिव रंजनी में निबद्ध है। तो चलिए, जैसे यमन कल्याण का मजा लिया, ऐसे ही मजा लेते हैं शिवरंजनी राग में निबद्ध गीत। दोस्तों, जो जो कलाकार अभी आ रहे हैं ना यहाँ पर मंच पर, उनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है, एक बार जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए। निखिल जी को बहुत बहुत शुभेच्छा। थैंक यू, हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा नजरों को हम
पहुंचाएंगे। जाने कहां गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुम पड़े सजदे किए थे यार ने। मेरे कदम जहाँ पड़े सजदे किए थे यार ने, मुझको रुला रुला दिया जाती हुई बाहर। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे, नजरों को हम बिछाएंगे। थैंक यू वेरी मच। कि रेडियो सारेगामा कारवां जो हर घर का हिस्सा बन चुका है, और इस रेडियो सारेगामा कारवां की जो खसूसियत है वो ये कि इसमें चुनिंदा फनकारों के एल्बम को शुमार किया गया है, और उन चुनिंदा हस्तियों में शुमार है, शामिल है नाम आदरणीय श्री धर्मांशु रावल जी का भी। उनका एल्बम सुभाषित रत्न इसमें शामिल किया गया है। और इतना ही नहीं, सारेगामा कारवा से ये एल्बम खरीद लिया है अमेजॉन प्राइम ने। जी हाँ, तो आप वहाँ पर भी इस एल्बम को से ले सकते हैं, सुन सकते हैं। और HMV ने एक बेहतरीन एल्बम निकाला जिसमें जगजीत सिंह, भीमसेन जोशी, हरिओम शरण, हृदयनाथ मंगेशकर, लता जी जैसी शख्सियत के साथ धर्मांशु रावल जी का नाम भी शामिल है, क्योंकि इस कैसेट में, इस एल्बम में सर के भी कुछ गीतों को शामिल किया गया है। तो चलिए, ऐसे महान गुरु, सॉरी सर, ऐसे महान गुरु के सानिध्य में हमारे स्टूडेंट्स शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो सर को प्रणाम करते हुए और मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहती थी, सर आ चुके हैं, तो सर की आवाज में आनंद देखते हैं बेहतरीन गीतों का। दोस्तों, जो भी कुछ थोड़ा बहुत कर सकता हूँ, कर सका हूँ, इसमें आप सबका भी योगदान है। इनिशियल स्टेज में आप सबने हारमोनी को मुझको बहुत प्रोत्साहित किया है, आपका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। सुनो मेरे बंधु रे, सुनो मेरे मितवा, सुनो मेरे साथी, सुनो मेरे बंधु रे, सुनो मेरे मितवा, सुनो मेरे तीर। चाहत है अगर आके मुझसे मिल जा तू, या फिर ऐसा कर धरती से मिला दे मुझको, तू ही रे, तू ही रे।
तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, आ जा रे यूं ही तड़पाना तू मुझको, जान रे इन सांसों में बस जा तू। हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले भोर भई और सांझ ढली रे, समय ने ली अंगड़ाई, ये जग सारा नींद से हारा, मोहिनी नींद आई, मैं घबराऊं डर डर जाऊं, आए वो ना आए, आए वो ना आए, राधा बुलाए कहां, खोए हो कन्हैया आए न पालम, का करूं सजनी आए न बालम। थैंक यू शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया इतने खूबसूरत गीतों के लिए। तो फ्रेंड्स, आपको याद है ना कि एलियन लाइफस्टाइल की तरफ से 5 गिफ्ट हैम्पर रखे गए हैं, और आप में से कोई भी लकी हो सकता है जिसे ये गिफ्ट हैम्पर मिले। जी हाँ, इसमें बहुत खूबसूरत ड्रेसेस हैं, तो अगले प्रोग्राम में शायद आपको पहनने के लिए एक नई खूबसूरत ड्रेस मिल जाए। तो चलिए, इसी के साथ फिर हम रखते हैं कदम अगले गीत की तरफ, अगले गीतों की तरफ। आप सत्संग देखने जाते हैं या भजन सुनते हैं तो हम आध्यात्म की तरफ खींचे चले जाते हैं। जब हम देशभक्ति का गीत सुनते हैं तो हमारे में वीर रस का संचार होने लगता है, ये होता है वीर रस। और जब कोई हैरत अंगेज कारनामा या चीज़ देखते हैं तो हम एकदम विस्मित हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं, ये होता है अद्भुत रस। ऐसे ही कई रस के प्रकार हैं। हमारे हिंदी काव्य में 10 रस बताए गए हैं, और इन 10 रस में से कई रसों पर हिंदी गीत भी बने हैं। तो आज हमने अपनी सरफहरिस्त में कुछ रसों पर आधारित गीतों को चुना है, तो चलिए लुत्फ उठाते हैं उन्हीं रसों के गीतों का।
नैन जज्बात निभाए कुसूलों की जगह अपने अरमान फिरो लाया हूँ फूलों की जगह तेरे सहरे की तेरे सहरे की ये सौगात किसे पेश करूँ ये मुरादों की हसीरात किसे पेश करूं 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 कौन है वो अनजान है
थैंक यू विशाल जी, थैंक यू भरत जी. भरत जी को हारमोनी के मनोज कुमार कहेंगे तो बिल्कुल गलत नहीं होगा. एक बार जोरदार तालियां हो जाए इस पूरे नवरस के लिए. दोस्तों इतने सुरीले कलाकार, इतने फैंटास्टिक म्यूजिशियंस, मैं एक बार चाहता हूं चेतन भाई उपाध्याय टीम के लिए जोरदार तालियां हो जाए. इतने फैंटास्टिक म्यूजिशियंस, इतने कलरफुल लाइट्स और इतना जबरदस्त साउंड. दोस्तों इस भव्य आयोजन के लिए हम बहुत बहुत आभारी हमारे टाइटल स्पॉन्सर्स शेर खान बाय बीएनपी पारिवा, हमारे आज के को-स्पॉन्सर्स इन्वेंचर ग्रोथ एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड, एलियन लाइफस्टाइल, संजय दोषी फिनेंशियल सर्विसेज हु इज द ऑथराइज्ड पर्सन ऑफ मोतीलाल ओसवाल. जोरदार तालियां हो जाए इन दिग्गजों के लिए, जोरदार तालियां. थैंक यू दोस्तों. आइए चार गाने बैक टू बैक सिर्फ इस लवली ऑडियंस के लिए. लेट्स गो.
हेलो हेलो या कैन वी हैव सम क्लैप प्लीज हेलो हेलो मशहूर ठग हुआ था जिसका नाम था मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव जिसे बाद में नटवरलाल कहा गया और उसी नाम से प्रेरित होकर बनाई गई थी ये फिल्म मिस्टर नटवरलाल। फ्रेंड्स एक और फिल्म आई जिसका बेहतरीन गीत मैं सुनाने जा रही हूँ। उससे पहले बताना चाहूँगी कि बिना का गीतमाला के कई साक्षी यहाँ बैठे होंगे और जिन्होंने सबसे ज़्यादा जिस संगीतकार जोड़ी का नाम सुना होगा सुना आपने वो संगीतकार जोड़ी आप बता सकते हैं कि कौन थी। हाँ जी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। क्या बात है बड़ी जहीन ऑडियंस हमारी थैंक यू सो मच। जी हाँ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का सबसे ज़्यादा नाम बिना का गीतमाला में हमें सुनने मिला और यदि अवार्ड्स की उनकी बात की जाए तो दोस्ती मिलन जीने की राह अमर अकबर एंथनी सत्यम शिवम सुंदरम सरगम जैसी फिल्मों में उन्हें फिल्मफेयर अवार्ड हासिल हुए और साथ ही एक और फिल्म कर्ज में कर्ज के उनके गीत आज भी उतने ही तरोताज़ा हैं आज भी मकबूल हैं। तो चलिए कर्ज फिल्म का पेश खदमत है ये गीत। जय हो। हेलो La 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 la
पैसा है कैसा तीन नहीं कोई ऐसा चार पैसा है जैसा पाँच ये हो मुसीबत छह ना हो मुसीबत दो मुसीबत दो मुसीबत सात आठ नौ दस एक दो तीन चार पाँच छह सात दोस्तों हमारा अगला गीत जो इस महफिल में पेश होने जा रहा है वो हमारे इंडियन आर्मी हमारे फौजी भाई को समर्पित हम करेंगे। यस, जोरदार तालियां हो जाए इसके लिए। एक बहुत ही फैंटास्टिक सॉन्ग आपके बीच आ रहा है। दोस्तों एक फौजी भाई जो सरहद पर दिन रात हमारे देश की वतन की हिफाजत करता है, जब उसके जज्बात एक कविता में जन्म लेते हैं तो उस कविता के क्या बोल होंगे कि अपने गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, अपनी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ, मुझे सीने से लगा ले ऐ भारत माँ, मुझे सीने से लगा ले ऐ भारत माँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ। फ्रेंड्स, जैसे हम जानते हैं हमारे भारत देश ने स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे किए हैं और मैं आप सबसे एक ही प्रश्न पूछना चाहूँगा कि इस अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा का ट्रेंड चला था, क्या आपने उसमें भाग लिया था? क्या आपके घर में कितने हाथ ऊपर जा रहे हैं? कैन वी हैव द हाउस लाइट? हर घर तिरंगा में मैक्सिमम आई कैन सी 99% भारत माता की। उसी एकता को दिखाना है आज यहां पर इस ऑडिटोरियम में। यहां पर मैं चाहता हूं यदि आप दिल से अपनी भारत माँ के प्रति प्यार रखते हो, रिस्पेक्ट रखते हो, अपनी टॉर्च लाइटें मोबाइल की टॉर्च लाइट यहां पर आप स्विच ऑन कर दीजिए और पूरा एटमॉस्फियर हम भारत में बना देते हैं। यस, आई कैन सी सम लाइट्स हियर। पूरे गाने के दौरान हम टॉर्च लाइट ऊपर करके हमारी यूनिटी आज दर्शाएंगे। लेट्स से भारत माता की। यस मातरम। तब जाके कहीं हम सर पे ये केसरी रंग सजाया है। जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, मैं खुश रहे तेरी आन सुधा, छाए जान मेरी ये रहे न रहे। अब मेरी जमीन महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, पीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जा
सी है दिल की अरजू तेरे नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरा इतनी सी है दिल की अरजू दरिया बहता है तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है केसरी जो पोशीदा है उसको निहारे तू और जो गर्वीदा है उसको तारे तू जाऊं जो मैं आंख लगाऊं दिन बीते सारा
शर्मना पतझड़ के मौसम में भी रंगी चनारों जैसी जन के सन्नाटों में तू वीणा के तारों जैसी सदियों से भी लंबी है मन की अमावस और तू फूल झड़ियों वाले त्योहारों जैसी चंदा भी दीवाना है तेरा जलती है तुझसे सारी चतुरिया काजल की दिया ही से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरिया केसरिया तेरा इश्क है पिया रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं दिन बीते सारा तेरी फिक्र में रैन सारी तेरी खैर मना केसरिया तेरा इश्क है पिया इश्क है पिया केसरिया तेरा इश्क है पिया इश्क है पिया पिया इश्क है पिया केसरिया तेरा इश्क है पिया रंग जामू जो देखिए कितने विविध विविध प्रकार के कलर्स आ रहे हैं केसरी भी गाना आया और केसरिया भी आया राइट तो ये जो भिन्न भिन्न प्रकार के कलर्स आप समक्ष इतनी बखूबी से जो पहुंच रहे हैं मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूं हमारे आज के टाइटल स्पॉन्सर्स हमारे शेर खान बाय बीएनपी पारिबा हमारे आज के को स्पॉन्सर्स रहे इन्वेंचर ग्रोथ एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड एलियन लाइफस्टाइल And Sanjay Doshi Financial Services, who's the authorized person of Motilal Oswal. Zordar taliya ho jaye hamare in gems ke liye. Thank you, friends. Dosto, aaiye kuch mashhoor jodiyon ke baare mein hum baat karte hain. Jodiyan jaise ki chand aur raat, dil aur dhadkan, phool aur rang, shrota aur kalakar, ane Prabodhan Thakre Hall, ane garba. राइट झूमने के लिए सब तैयार आइए लेट्स वेलकम आर ऑल द पार्टिसिपेंट्स फॉर दिस वंडरफुल गरबा मेडली बोलो अंबे मात की जय ए हेलो राधा श्याम मणि दर्शे
रे राधा गरबे घूमे बोली गोरी गोरी देश की भाषाएं जुबानें की कितनी खूबसूरत गुजराती जुबान में आपने ये गुजराती गरबे सुने। हेलो, ऐसे ही मैं आपको हमारे बुंदेलखंड तरफ की जुबान का भी एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूँ। एक टीचर ने स्टूडेंट से पूछी, काय इतनी देर काय हो गई, इतने स्कूल में लेट काय आए तुम? स्टूडेंट ने कही कि टीचर जी, मम्मी पापा लड़ रहे थे। अरे तो मम्मी पापा लड़ रहे थे तो तुम्हें काय देर हो गई? हमारा एक जूता मम्मी के हाथ में है तो, और एक पप्पा के हाथ में।
तो ये है लोक भाषा बुंदेलखंडी। ऐसी ही कई लोक भाषा में बहुत खूबसूरत हिंदी गीत भी बनाए गए, जैसे कि रमैया वस्तावैया। जी हाँ, ये तेलुगु भाषा का लोकगीत था जिससे प्रेरित होकर शैलेंद्र साहब ने रमैया वस्तावैया ये शब्द तेलुगु से उठाए और बाकी पूरा गीत उन्होंने हिंदी जुबान में लिख दिया। और रमैया वस्तावैया का हिंदी में अर्थ है कि राम तुम कब आओगे, राम तुम कब आओगे। तो चलिए, पेशे खिदमत है श्री 420 का यही गीत। रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया। ओ रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया। ओ रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया। प्यार की रोशनी तेरी आंखों में ये दुनिया तारी नदी, तेरी आंखों में ये दुनिया तारी नदी। मैं जो दुख पाऊँ तो क्या आज पछताऊँ तो क्या, मैं जो दुख पाऊँ तो क्या आज पछताऊँ तो क्या। मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया। ओ रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया। वही और मुसाफिर वही, एक तारा न जाने कहाँ छुप गया, एक तारा न जाने कहाँ छुप गया। दुनिया वही, दुनिया वाले वही, कोई क्या जाने किसका जहाँ लुट गया, कोई क्या जाने किसका जहाँ लुट गया। मेरी आंखों में रहे कौन जो मुझसे कहे, मेरी आंखों में रहे कौन जो मुझसे कहे। मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया। ओ रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया। ओ रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, घड़ी आ चुकी है एक सुनहरे पल की। मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे उन महारथियों का जिन्होंने आज के इस शो में चार चांद लगा दिए हैं। फ्रेंड्स, जोरदार तालियों से हम स्वागत करते हैं हारमोनी के फाउंडर, फाउंडर ऑफ हारमोनी म्यूजिक एकेडमी, द वन एंड ओनली आर गुरुजी श्री धर्मांशु रावल सर। उनसे निवेदन है प्लीज स्टेज पे जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे प्रिय गुरु धर्मांशु रावल सर। मैं चाहता हूं शेर खान बीएनपी पारिबा के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर मनीष शाह प्लीज स्टेज पे आए। मैं चाहता हूं हमारे हारमोनी के पिलर्स जिन्हें हम कहते हैं हमारी थिंक टैंक मेंबर्स, मिस्टर दिलीप भाई भूता, दिलीप भाई भूता का तालियों से हम स्वागत करते हैं मिस्टर दिलीप भाई भूता। बहुत स्वागत सर आपका। और लवली धनंजय भाई उपाध्याय हु इज द हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन हारमोनी म्यूजिक एकेडमी, जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं धनंजय भाई, मिस्टर धनंजय उपाध्याय। आइए धनंजय भाई, स्वागत आपका हमारे मंच पर। ओह, मिस मनीषा नंदोलिया, ओके, मिस्टर परिमल मेहता, परिमल मेहता जी का हम तालियों से स्वागत करते हैं, प्लीज वेलकम मिस्टर परिमल मेहता।
मिस्टर देवेश जोशी फॉर एवर यंग आर देवेश भाई. देवेश भाई का हम निवेदन करते हैं प्लीज स्टेज पे आए फॉर एवर यंग. जोरदार तालियों से. हमारे आज के पूरे मैनेजमेंट, साउंड मैनेजमेंट, लाइट मैनेजमेंट, पूरा साउंड सिस्टम, इस प्रोग्राम में जो बेहतरीन एलईडी लाइट्स, जो प्रेजेंटेशन पूरा आप देख रहे हैं, वन एंड ओनली मिस्टर दर्शित रावल. जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे द मोस्ट एलिजिबल बैचलर. थैंक यू दोस्तों. मैं स्वागत करता हूं मिस्टर चिराग शाह, जो शेर खान बीएनपी पारिबा कांदीवली के ब्रांच मैनेजर है. जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं. मिस्टर जिगर पंडित, जो वाइस प्रेसिडेंट है शेर खान से. जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं सर आपका, मिस्टर जिगर पंडित. मिस्टर दीपक वैष्णव, जो इन्वेस्टर ग्रोथ एंड सिक्योरिटीज से है. दीपक भाई का एक परफॉर्मेंस भी देखा है हमने आज. जोरदार तालियों से स्वागत करें दीपक भाई, जो अभी तक अमिताभ बच्चन बनकर आते थे स्टेज पर, लेकिन आज इन्होंने बिल्कुल ही अपने आप को बदल लिया और ऋषि कपूर साहब के रूप में हमें नजर आए मंच पर. स्वागत दीपक भाई आपका. मिसेज मनिका श्रीवास्तव के लिए जोरदार तालियां हो जाए. मनिका जी आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा आज उपहार लेकर आ जाएंगे. मिसेज मनिका जी जोरदार तालियों से स्वागत करें. मिस्टर संजय दोषी, हु इज द ओनर ऑफ संजय दोषी फाइनेंशियल सर्विसेज एंड द ऑथराइज पर्सन ऑफ मोतीलाल ओसवाल. जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं संजय सर का. मिस्टर कल्पेश परीख, जो कांदिवली ब्रांच के हेड एंड संजय दोषी फाइनेंशियल सर्विसेज और कांदिवली ब्रांच के हेड. मिस्टर कल्पेश भाई परीख. हमारे सबके फेवरेट मिसेस कश्मीरा रावल जी, कैन वी हैव यू ऑन स्टेज. जोरदार तालियों से स्वागत करें. एंड वी ऑलरेडी हैव मिस्टर दर्शित रावल ऑन स्टेज. तो आप सभी हमारे अतिथिगण, मैं चाहता हूं मिस्टर हरेश भाई मेहता जोरदार तालियों से, हु इज द फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फाइन आर्ट्स काउंसिल एंड कंपनी एंड नेशनल कमिटी मेंबर. मिस्टर हरेश भाई मेहता आज जी नमस्कार. स्वागत आप सभी का और हम चाहेंगे कि हमारे अतिथिगण का हम स्वागत करें पुष्प गुच्छों से. तो दर्शित जी हमारे अतिथिगणों का मैं चाहता हूं मिसेज विद्यारानी वेरलेकर, हु इज द ट्रॉफी स्पॉन्सरर फॉर ऑल द स्टूडेंट, जोरदार तालियों से स्वागत करें विद्या जी विद्या रानी वेरलेकर जी. स्वागत आपका. मिस हीना मेहरा जी, हीना मेहरा जी उपस्थित है यहां पर. मैं नाम लेना चाहूंगी श्री हरीश मेहता जी, जो कि फाउंडर प्रेसिडेंट इंडिया फाइन आर्ट्स काउंसिल लिमिटेड कॉरपोरेशन के. और मैं श्री धर्मांशु रावल जी से गुजारिश करूंगी कि पुष्पगुच्छ से उनका स्वागत करें. डॉक्टर हरीश मेहता, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फाइन आर्ट्स काउंसिल, ही इज पार्टनर इन ज्योति जेवर ट्रस्टी ऑफ आगाज चैरिटेबल ट्रस्ट, सब एडिटर ऑफ फिल्म टुडे मैगजीन, एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ म्यूजिशियंस फेडरेशन ऑफ इंडिया, मेंबर ऑफ इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ म्यूजिशियन पेरिस. डॉक्टर बी एम जैन, मैं हार्दिक स्वागत करते हैं डॉक्टर बी एम जैन का, तहे दिल से जोरदार तालियों से स्वागत करें डॉक्टर बी एम जैन. श्री मनीषा, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट शेर खान बाय बीएनबी परिवार, श्रीमती कश्मीरा रावल जी से मैं गुजारिश करूंगी कि उनका स्वागत करें. आइए मैम. तालियां बजती रहनी चाहिए फ्रेंड्स, दे रियली आर द पिलर्स फॉर दिस वंडरफुल इंस्टीट्यूशन. श्री चिराग शाह, कांदीवली ब्रांच मैनेजर शेर खान बाई बीएनपी परिवास,
श्री धनंजय उपाध्याय जी से मैं गुजारिश करूंगी कि उनका स्वागत पुष्पगुच्छ से करें। मैं चाहता हूं जोरदार तालियां हो जाए हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ शेर खान जिगर भाई पंडित के लिए। मैं चाहता हूं धनंजय भाई उपाध्याय पुष्पगुच्छों से उनका सत्कार सम्मान करें। थैंक यू जिगर भाई पंडित के लिए, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ शेर खान। तालियां बजती रहे, बहुत बहुत शुक्रिया। और श्री दीपक वैष्णव, इन्वेंचर ग्रोथ एंड सिक्योरिटी लिमिटेड, दिलीप भूता जी से मैं गुजारिश करूंगी कि उनका स्वागत करें। जोरदार तालियां दीपक जी के लिए। इसके बाद मैं चाहूंगा मिसेज मनिका श्रीवास्तव, द डायरेक्टर ऑफ एलियन लाइफस्टाइल। दोस्तों एलियन लाइफस्टाइल का एक परिचय दे दूं आपको। एलियन लाइफस्टाइल इज एन एपरल कंपनी ब्रॉट टू लाइफ बाय मनिका श्रीवास्तव थ्रू क्रिएटिव थिंकिंग एंड एक्सपीरियंस टीम। एलियन लाइफस्टाइल बिगिंस ब्रिंग्स यू द क्लासिकस्ट एपरल मेड टू यू बाय फिट। और मैं चाहता हूं परिमल भाई मेहता उनका स्वागत करें। परिमल भाई मेहता पुष्पगुच्छों से। रीटा अस्थाना जी जो मनिका श्रीवास्तव मैम के मदर है, जोरदार तालियां बजनी चाहिए। यहाँ पे अगर कोई भी डिजर्विंग है ये सारे फ्लावर्स के तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे सर हैं। इतनी जोर से तालियां बजनी चाहिए कि आप चले जाएं तब भी माइक पूरे बिल्कुल सही कहा मैम आपकी तालियां गूंजती रहनी चाहिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही आपने कि इतना खूबसूरत प्रोग्राम सर ने तैयार किया है जो आम प्रोग्रामों से वाकई में बहुत हटके है सर, कि जहाँ पर हमें सब कुछ एक साथ देखने मिला, बहुत खूबसूरत। तो चलिए अब मैं श्री संजय दोषी जी के लिए कहूंगी कि श्री दर्शित रावल जी उनका स्वागत करें। ओनर संजय दोषी फाइनेंशियल सर्विस। थैंक्स अ लॉट सर। मैं चाहता हूं मिस्टर कल्पेश भाई परीख, आप सभी इस नाम से परिचित हैं, जो संजय दोषी फाइनेंशियल सर्विसेज की कांदिवली ब्रांच को हेड करते हैं, मिस्टर कल्पेश भाई परीख। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और मैं निवेदन करता हूं दिलीप भूता जी से कि पुष्पगुच्छों से। थैंक यू मैम। श्रीमती विद्या रानी वर्लिंगकर जो कि हमारी ट्रॉफी स्पॉन्सर है, धनंजय भाई से मैं गुजारिश करूंगी कि उनका स्वागत करें। श्रीमती विद्या रानी वर्लिंगकर। जोरदार तालियां हो जाए विद्या रानी वेरलेकर जी के लिए। ये जो स्टूडेंट्स सारे एग्जाम के लिए उपस्थित होते हैं उनको पास आउट करते हैं, उनकी ट्रॉफी को स्पॉन्सर कर रहे हैं विद्या जी, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। मैं चाहता हूं हीना मेहरा जी प्लीज मंच पे आगे आए, जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं हीना मेहरा जी का। और मैं चाहूंगा उनका वेलकम करें देवेश भाई जोशी फुल पुष्पगुच्छों से। तालियां बजती रहे फ्रेंड्स फॉर हीना मेहरा। ये सारे मौजूद हमारे अनमोल रत्न हारमोनी के लिए, एक बार जोरदार तालियां हो जाए फ्रेंड्स। इतना भव्य आयोजन, इतना कलरफुल आज म्यूजिकल प्रोग्राम जो हम विटनेस कर रहे हैं, जोरदार तालियां हमारे इन जेम्स के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी मंच पर तशरीफ लाने के लिए। और बस मैं अब यही कहूंगी कि जरूरत से ज्यादा बेमिसाल हो तुम, जरूरत से ज्यादा बेमिसाल हो तुम, थोड़ी सांवली जरूर हो पर चीज कमाल हो तुम। तो आप समझ चुके होंगे मैं किस चीज की बात कर रही हूँ। तो बस जल्दी से जाइए चाय पीकर और नाश्ता करके फटाफट वापस आइए, क्योंकि ऐसे ही खूबसूरत गीत हमारी सर्विस में अभी बकाया है। तो कुछ देर के लिए कुछ छोटा सा एक वक्फा, तब तक के लिए नमस्कार। कहीं जाइएगा नहीं फ्रेंड्स, बिकॉज पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Enhancing fortunes, enriching lives. Inventure, a step towards a better future. Inventure. We are really happy to launch the Research 360 app, our first exclusive research app for all the investors in the country. This app is really to take care of the new investors coming into the market. As we all know, we are now 10 crore Demat accounts, and we feel that a lot of new age investors have come into the market where the research and advisory focus has got diluted. This app is clearly to take care of the new Zen investors coming into the market to get research before they invest, whether it is fundamental, whether it is technical, or whether it is any kind of screeners they want to look at, so that they are well informed in their decision making. And we feel with our 35 years of research and advisory capabilities, we are well aligned to give our investors the best in terms of advice and research. Thank you. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.